व्यूअर्स, आज बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे बच्चे, हमारा देश और ये दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। तो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये टीचर जो है कहती यूपी के मुजफ्फरनगर का मामला है। ये टीचर कहती है कि जो बच्चे पढ़ाई, मोहम्मदन बच्चों की माएँ जिनमें ध्यान नहीं देती, वो बच्चे उनकी शिक्षा बर्बाद हो जाती है और फिर क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाती है। ये खबर आपने देखी होगी और अपने आप में ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्लास के बच्चों से एक बच्चे को मरवाना और धार्मिक तौर पे उसको फिगर आउट करना। इसको लेकर अब ये एक वीडियो हमने पहले भी किया था, इसको लेकर के अब पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, इनका ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इतना बुरा, कुछ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट है, इसके लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया है।